हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा घनत्व के बारे में, ठीक है ना। धारा घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं करंट डेंसिटी। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी, धारा घनत्व क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। फिजिक्स में धारा घनत्व की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से अगर आई धारा प्रवाहित हो रहा है, और आई धारा अगर प्रवाहित हो रहा है तो इस कंडक्टर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान अगर कांस्टेंट है, एक तो ये नियत है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर ये धारा अगर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल से समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या समान रूप से प्रवाहित हो रहा है तो केवल धारा ही सफिशियंट होता है इसके मैकेनिक्स को समझने के लिए। लेकिन अगर ये धारा प्रवाहित हो रहा है इस चालक के अंदर से और कहीं से धारा ज्यादा प्रवाहित हो रहा है, जैसे ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर से हम बात करते हैं कि यहां से इसके सेंटर से बहुत कम धारा प्रवाहित हो रहा है और यहां से साइड से ज्यादा धारा प्रवाहित हो रहा है, यहां पे मीडियम। तो अगर अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग एरिया से अगर धारा जो है वो अलग अलग अमाउंट में प्रवाहित होता है तो उस कंडीशन में जरूरत पड़ती है धारा घनत्व की, क्योंकि उस कंडीशन में टोटल कैलकुलेट करना पड़ता है कि इस चालक में से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो धारा घनत्व कैसे डिफाइन किया गया, इसकी परिभाषा क्या होती है, या इसकी सिंपल सी परिभाषा है, घनत्व है, घनत्व मतलब किसी ना किसी एकांक चीज की हम बात करते हैं। घनत्व का मतलब या तो आयतन एकांक होगा या क्षेत्रफल एकांक होगा। तो यहाँ पे धारा जो प्रभावित होता है चालक में से तो उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से पास होता है, जैसे ये वाला क्षेत्रफल होता है इसको कहते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, यहां से पास होगा धारा। तो इस कंडीशन में तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर है। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा की मात्रा को हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहते हैं। मतलब एकांक क्षेत्रफल से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसको कहेंगे धारा घनत्व। तो धारा घनत्व इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से, कैपिटल जे से, ठीक है। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक सिंपल से मैं बता दूं, मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसके बीमा की अगर बात करेंगे तो बीमा है ये एल की पावर माइनस टू ए टी, सॉरी ए होगा, एम्पियर का ए हो जाएगा, तो एल की पावर माइनस टू इंटू ए इसकी बीमा है। अगर इसके राशि की बात करते हैं तो ये जो धारा घनत्व है ये हमारे सदिश राशि है। एक हैरान करने वाली बात है कि ये जो है एक सदिश राशि है, इसलिए इसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिशा क्या होती है, जबकि सदिश राशि है तो इसकी दिशा धारा की दिशा में या धन आवेश की गति की दिशा में, किसी बिंदु पर धनावेश की गति की दिशा में, गति की दिशा में, ठीक है। मतलब किसी भी बिंदु पर धनावेश जिस दिशा में गति कर रहा है उस दिशा में हम लेते हैं, वो दिशा लेते हैं हम धारा घनत्व का। जैसे तो यहां पे ये बता सकते हैं कि धारा घनत्व की दिशा और करंट की दिशा सेम होती है, क्योंकि जिस दिशा में पॉजिटिव आवेश प्रभावित होगा उसी दिशा में धारा भी प्रभावित होता है। तो धारा और धारा घनत्व एक ही दिशा में होती है, लेकिन धारा जो है वो हमारा अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व जो है
वो एक सदिश राशि है। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब ये क्वांटिटी पूरा क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। ये थीटा से इंडिपेंडेंट होता है और धारा और एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। लेट सपोज अगर इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और हमारा क्षेत्रफल इस तरीके से है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस तरीके से है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में, करंट भी इसी दिशा में, ठीक ना। या हम कह सकते हैं कि जे भी इसी दिशा में, धारा घनत्व भी इसी दिशा में है, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर किसी कंडक्टर में अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है और इस तरीके से हमारा एक एरिया वेक्टर है, इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे रखा है। अब यहां पे इस तरीके से ना रखा होगा, वो थोड़ा सा तिरछे में रखा है, तो हमें पता है अगर तिरछे में रखा होगा, इसको ऐसे रखा होगा तो अधिकतम धारा पास हो सकती है, अधिकतम धारा इसमें से गुजर सकता है, गुजर सकती है। लेकिन अगर इस तरीके का रखा होगा समतल, धारा की दिशा में अगर प्लेन क्या है, समतल है, एक ही दिशा में है, समांतर है, तो इस कंडीशन में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हुआ। लेकिन अगर इस तिरछे में रखा है, कुछ थीटा कोण पर रखा है धारा घनत्व और एरिया के बीच में या क्षेत्रफल के बीच में क्या हो, कुछ कोण हो, तो इस कंडीशन में कम धारा प्रवाहित होगा। तो अगर ये वाला सिचुएशन है तो इस कंडीशन में हम धारा घनत्व कैसे निकालेंगे? यहाँ पे धारा घनत्व हो जाएगा, अगर मान लेते हैं इस ये हमारा करंट की दिशा है, तो इस दिशा में धारा घनत्व होगा, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, होगा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो इस एरिया वेक्टर के हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं, दो घटक कर सकते हैं। एक घटक होगा इस दिशा में a cos थीटा और एक घटक होगा इस दिशा में a sin थीटा। तो जो धारा है वो किस घटक से पास होगा, वो a cos थीटा से पास होगा, a sin थीटा से पास होने वाली धारा जो है वो जीरो होगा। तो लिख सकते हैं कि यदि एरिया वेक्टर तथा धारा घनत्व एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो चिना, इस कंडीशन में जो धारा घनत्व j बराबर ये जो i बटे a cos थीटा, क्या जाएगा, i बटे a cos थीटा, ठीक है। यहां से i अगर निकालेंगे तो i बराबर हो जाएगा a j cos थीटा, ठीक है ना। cos थीटा किसमें आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं i is equal to j into a का डॉट प्रोडक्ट, क्या लिख सकते हैं, j into a का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जब j क्या हो, नियत हो, जब j माने क्या हो, नियत हो। लेकिन अगर j परिवर्तित, ये डायग्राम बना लेना, अगर j परिवर्तित हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ठीक, यदि j परिवर्तित हो तो, ठीक है, j का वैल्यू क्या रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, अलग अलग एरिया से अलग अलग धारा पास हो रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम i इज इक्वल टू लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ j इनटू dA, का होल इंटीग्रेशन j इनटू dA, कैपिटल j ना, स्मॉल j, कैपिटल j, ठीक, या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ j dA cos थीटा। तो इस कंडीशन में धारा निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब j का वैल्यू क्या होगा, परिवर्तित होगा, अलग अलग क्षेत्रफलों से अलग अलग धाराएं पास होंगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया धारा घनत्व। धारा घनत्व की डेफिनेशन होती है कि किसी चालक के प्रति एकांक अभिलंबन गुजरने वाले कुल धारा की संख्या को या धारा के मान को या मात्रा को हम धारा घनत्व कहते हैं। यहाँ पे कंडीशन एक चीज और लिख देना, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, यहाँ पे लिख देना अभिलंबवत गुजरने वाली धारा की मात्रा को हम धारा घनत्व कहते हैं। कंडीशन है, सॉरी, है यहाँ पे चीजें आपको याद रखने की जरूरत है कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा है वो धनावेश की दिशा में या धारा की दिशा में, या धारा की दिशा में ली जाती है, इसकी दिशा धारा की दिशा में ली जाती है,
ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाता हूँ इसको, और यहाँ पे एक और रिलेशन हम निकालते हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, गजब लाजवाब सुंदर। चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल देना, धारा घनत्व व धारा घनत्व व अनुगमन अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध है, यहाँ पे एक सिंपल सा संबंध होता है, हमें पता है धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A, J बराबर I अपॉन A, बहुत बढ़िया। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, तथा धारा में संबंध क्या होता है आपको पता है, जल्दी से बताओ संबंध क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध क्या होता है, I is equal to NEA VD। ठीक, अगर आपको याद रखने में दिक्कत होती है VD, VD का मतलब क्या होता है, अनुगमन वेग, ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं नेवा, क्या लिखेंगे नेवा, I is equal to नेवा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, V अनुगमन वेग, A क्षेत्रफल, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, I is equal to नेवा, ठीक है ना, क्लियर है, या कुछ भी बना सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं, जो वर्ड आपको याद रहे, तो I is equal to नेवा। चलिए ठीक, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो J बराबर हो जाएगा N E A V D by A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल, तो J बराबर हो जाएगा N E V D, ठीक है, क्लियर है, तो J इक्वल टू जाएगा N E V D, तो ये जो हमारा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, सॉरी धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सा डेरिवेशन है, ठीक, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए देखिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसमें इसी दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड। अगर आपने धारा घनत्व आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या करें, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 2×10⁸ प्रति मीटर क्यूब है, तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व, सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो देखिए तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, I is equal to 3.2 एम्पियर, ठीक है, क्षेत्रफल दे रखा है A बराबर 1×10⁻⁷, तो 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रखा है 2×10⁸, और इसके साथ हमारे पास दे रखा है, नहीं बस इतना ही दे रखा है, हमें निकालना है तार में धारा घनत्व, तो सबसे पहले निकाल दे धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A, ठीक है, तो I का वैल्यू है 3.2×10⁻⁷, तो 3.2×10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा धारा घनत्व, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है, ठीक। अच्छा ये तो क्या फर्स्ट पार्ट, सेकंड हमसे पूछा अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, J बराबर N E V D, तो यहां से V D बराबर हो जाएगा J by N E, J is equal to 3.2×10⁻⁷ बटे में N, N का वैल्यू है 2×10⁸ गुणा E, E का वैल्यू कितना होता है, E का वैल्यू होता है 1.6×10⁷
माइनस का 19। बहुत बढ़िया, लाजवाब। देखिए 16 दूना 32, 3.2 और 3.2 से 3.2 कैंसल, ठीक है, ये कैंसल हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास बचेगा 10 की घात माइनस का 7, और ये 28 ऊपर जाएगा तो माइनस का 28, और ये 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, सुंदर। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 28 में से अगर 19 घटा देंगे तो बचेगा 9, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 16, कितना आएगा 16 माइनस का 16 मीटर पर सेकेंड। आंसर किसमें आएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अनुगमन वेग आ जाएगा 10 की घात माइनस का 16 बहुत कम आ रहा है, ठीक है ना। तो 19 और 7 कितना जाएगा 26, 28 में 26 घटेगा तो बचेगा 2, माइनस का 2 आएगा इसका आंसर, माइनस 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर नाउ अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध और धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक। क्वेश्चन है तार के या तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2×10^28 प्रति मीटर क्यूब है, तार में इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग 1 cm/s है, तो धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। वही आएगा सिंपल सेम क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। रिवर्स क्वेश्चन दे रखा है, n = 2×10^28 प्रति मीटर क्यूब, ठीक। E बराबर होता है 1.6 × 10^-19 कूलम, ठीक। VD दे रखा है, VD बराबर दे रखा है 1 cm/s, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10^-2 मीटर पर सेकंड। हमसे धारा घनत्व पूछा है J, तो J बराबर हो जाए NeVD, ठीक है। तो देखिए सिंपली यहां पे इसको यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2×10^28 × 1.6 × 10^-19 × 10^-2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.2×10^7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो एक सिंपल सा ये एक क्वेश्चन है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अफवाह आवेश वाहकों की गतिशीलता, तो गतिशीलता भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।